हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अबाउट जॉइंट्स इन वॉटर पाइप्स पाइपिंग से तो वाटर सप्लाई सिस्टम में आप सभी जानते हैं कि जब हमें पानी को सप्लाई करना होता है तो किसके थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं थ्रू पाइप्स तो हमने देखा था कि इंटेक स्ट्रक्चर्स में हम अपने सोर्स ऑफ वाटर से पानी कलेक्ट करते हैं देन इंटेक से हमें कहाँ पहुंचाना होता है ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना होता है देन ट्रीटमेंट प्लांट से हमें वाटर को कहाँ तक पहुंचाना होता है डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स तक लाइक like, आप देखते हैं कि हमें घरों तक पानी को डिलीवर करना होता है वेरियस इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑल ओवर हमें इस तरह से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है थ्रू आउट द एरिया तो ये जो इंटेक से हमने ट्रीटमेंट तक पानी पहुंचाया ये भी हम थ्रू पाइप और पंप से ही पहुंचाते हैं इसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट से हमारा पानी आगे जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जिसमें हमारे पाइप्स होते हैं मेन पाइप होता है देन उसकी ब्रांच होती है सब मेन पाइप्स होते हैं तो ये सारी पाइपलाइन हमारी जो है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इस पाइपलाइन का ऐसा पॉसिबल है क्या कि ट्रीटमेंट प्लांट से एक ही पाइप लगाया और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पाइप के थ्रू पानी सप्लाई कर दिया मतलब एक ही लेंथ का पाइप यूज नहीं किया जा सकता इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है एक पर्टिकुलर लेंथ के पाइप को आपस में जोड़ना पड़ता है मेन पाइपलाइन को सब मेन से जोड़ना पड़ता है सब मेन जो है हमारी उनसे ब्रांच अगर आपकी निकली हुई है पाइपलाइंस की तो उन्हें हमें आपस में कनेक्ट करना पड़ता है अब इस कनेक्ट इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर लेंथ में एक एक लेंथ का पाइप यूज किया जाएगा देन दूसरा पाइप इन्हें आपस में जोड़ने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है जॉइंट्स की जरूरत पड़ती है तो इन द अर्लियर वीडियोस हमने देखा कि जो पाइप मटेरियल हम यूज कर रहे हैं टू ट्रांसफर और टू कन्वे दी वाटर इसमें कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जैसे सीमेंट कॉन्क्रीट हो गया स्टील हो गया इनके क्या हम यूज करते हैं पाइपलाइंस यूज करते हैं एंड इन पाइपलाइंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है जॉइंट्स को प्रोवाइड करना पड़ता है तो आज हम समझेंगे कि ये जॉइंट्स जो यूज होते हैं पाइप्स में वाटर सप्लाई पाइपिंग में वो क्या होते हैं तो वी कैन से जॉइंट्स इन वाटर सप्लाई पाइपिंग पाइप्स में ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो भी हमारी मेन एंड सब मेन्स हैं स्मॉल लेंस की इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ जॉइंट्स अवेलेबल होते हैं लाइक like, हम कुछ पाइप्स में स्पाइग ज्वाइंट्स प्रोवाइड करते हैं कुछ एंड सॉकेट हमारो कहा जाता है कुछ पाइपलाइंस में हमें फ्लेंज्ड जॉइंट्स की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू नीड ये जो टाइप्स हैं आपके जॉइंट्स के ये क्या होते हैं वेरी करते हैं इसके बाद होता है हमारा एक्सपेंशन जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट के बाद होता है फ्लेक्सिबल जॉइंट देन कॉलर जॉइंट फिफ्थ होता है हमारा थ्रेडेड जॉइंट इन पाइप्स एंड जॉइंट इस तरह से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि हमें कौन सा जॉइंट प्रोवाइड करना है एंड समटाइम्स की कुछ मटेरियल जैसे स्टील है जी है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैं तो उनमें हम पर्टिकुलर जॉइंट्स को चूज करते हैं फर्स्ट जॉइंट की बात करते हैं तो इन जॉइंट्स को और क्या कहा जाता है बेल जॉइंट्स भी कहा जाता है इसमें एक एनलार्ज एंड होता है जिसे सॉकेट कहा जाता है एनलार्ज एंड आप फिगर uh, में देख सकते हैं इमेज आपकी रिप्रेजेंट कर रही है बेल सॉरी सॉकेट जॉइंट को एंड आपका जो नॉर्मल एंड होता है जो एनलार्ज एंड है इसको हमने बोला सॉकेट एंड इसमें दूसरा एंड आपका नॉर्मल नॉर्मल एंड है जिसे हम कहते हैं स्पाइट राइट right? जो नॉर्मल एंड है इट इज फिटेड टू द इन टू दॉकेट एंड इसका प्रॉपर अलाइनमेंट किया जाता है नॉर्मल एंड को हमने फिट किया सॉकेट uh, के साथ एंड इसका प्रॉपर अलाइनमेंट किया Then, जूट को हम बाउंड करते हैं स्पाइगॉट में एंड इसमें रबर की गैसकेट को प्लेस करते हैं टाइटली प्लेस्ड करते हैं आप फिगर में देख सकते हैं आपको स्पाइगॉट दिख रहा है एक एंड पे सॉकेट दिख रहा है एंड बीच में आपकी जूट से इससे इसको बाउंड किया गया है एंड देन जो रिमेनिंग पोर्शन है बिटवीन द सॉकेट एंड स्पाइगॉट इसको हम फिल करते हैं विद विदेन आप डायग्राम में फिगर में देख सकते हैं lead से 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 मोल्टेन लेड फिल्ड करने की वजह ये क्या होता है क्विकली सोलिडिफाइड uh, हो जाता है एंड वाटर पाइप को वाटर टाइट बनाता है क्योंकि ये जॉइंट है तो हमें इसे वाटर टाइट बनाना जरूरी है ताकि लीकेज ना हो तो इसके लिए हम यहाँ पर मोल्टेन लेड को यूज करते हैं एंड द जॉइंट इज फ्लेक्जिबल समहा फ्लेक्सिबल ये ज्वाइंट हमारे होते हैं एंड अलाउ करते हैं फ्लैट करव में भी हम इन्हें अलाउ uh, कर सकते हैं और बात करें तो कास्ट आयरन के जो पाइप्स होते हैं स्टील के पाइप्स होते हैं उनमें इस तरह के स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट्स को हम प्रेफर करते हैं सेकेंड जॉइंट की हम बात करते हैं तो सेकेंड जॉइंट इज फ्लिड जॉइंट फ्लिंज जॉइंट जो हमारे होते हैं ये यूजुअली हम पंपिंग स्टेशन में यूज करते हैं या फिर फिल्टर प्लांट्स में यूज करते हैं जहां पर ऐसी जहां पर हमें पाइप को शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है वहां पर हम इन जॉइंट को यूज करते हैं इन फ्लिंज ज्वाइंट में दो फ्लिंज को हम आपस में कनेक्ट करते हैं गैस्केट uh, प्लेस करते हैं इनके बीच में एंड देन उसको नट बोल्ट से कनेक्ट uh, uh, कर देते हैं ताकि वो आपस में अच्छी तरह से जॉइंट फिक्स हो पाए एंड दीज जॉइंट्स आर रिजिट ये क्या होते हैं रिजिट नेचर के होते हैं बट हम इनको वाइब्रेशन में यूज नहीं कर सकते हैं. तो जब भी हमें प्रोबेबिलिटी होती है कि कहीं वाइब्रेशन आने वाला है तो हम इनको यूज नहीं करते एंड सिमिलरली बिकॉज ये एक्सपेंसिव होते हैं एक्सपेंसिव प्रूफ होते हैं तो हम इन्हें ओनली दी इंडोर वर्क के लिए हम इन्हें यूज करते हैं सो यू कैन सी द फिगर ऑफ द फ्लेंज जॉइंट जिसमें आपको पूरा बताया हुआ है कि पाइप डायामीटर देन आपका किस तरह से गैसकेट प्रोवाइड की है एंड देन उसको क्या किया है बोल्ट एंड नट की हेल्प से दो फ्लेंज को आपस में कनेक्ट किया जाता है थर्ड ज्वाइंट की हम बात करें तो दैट इज एक्सपांशन ज्वाइंट एक्सपांशन ज्वाइंट नाम से ही समझ में आ रहा है जब भी आपके पाइप में प्रोबेबिलिटी होगी एक्सपांशन की तो हम उस केस में क्या प्रोवाइड करेंगे एक्सपांशन ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे अभी एक्सपांशन क्यों हो सकता है तो आप समझते हैं कि वेदर कंटिन्यूसली चेंज होता है समटाइम्स थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गर्मी अगर पड़ रही है थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है मटेरियल के अंदर तो पाइप के मटेरियल में क्या होती है प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक्सपांड करेगा तो हमें दो जॉइंट्स जहां पे पाइप न, बनाना है पाइप में तो हम क्या करेंगे वहां पे एक्सपांशन जॉइंट भी प्रोवाइड करेंगे कि इन फ्यूचर अगर थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है तो वो पाइप को हाँ ना पहुंच जाए एंड ये जो एक्सपांशन जॉइंट्स हैं ये भी हमारे कास्ट आयरन पाइप्स में हम यूजुअली बनाते हैं एंड एक एंड पे आपका सॉकेट एंड होता है जो की सॉकेट एंड इज कास्ट विथ फ्लिस्ड एंड दी स्पाइगोट एंड जो होता है हमारा वो प्लेन होता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है कॉलर्ड ज्वाइंट कॉलर्ड जॉइंट यूजली हमारा प्रोवाइड किया जाता है कॉन्क्रीट पाइप्स में है ना कॉलर्ड ज्वाइंट को हम जो प्रोवाइड करते हैं कॉन्क्रीट पाइप्स में प्रोवाइड करते हैं एक और ज्वाइंट हमारा फ्लेक्सिबल तो जहां पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम फ्लेक्सिबल ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं एंड दीज फ्लेक्सिबल ज्वाइंट आर इनका जो तो, ज्वाइंट होता है दैट इज समहाउ कॉम्प्लिकेटेड देन नेक्स्ट हम बात करें थ्रेडेड ज्वाइंट की तो थ्रेडेड ज्वाइंट जो हमारे होते हैं ये जीआई पाइप्स में यूज, यूज किए जाते हैं जी आई पाइप गैलवेनाइज आयरन पाइप एंड देन हम नेक्स्ट बात करें सिंप्लेक्स जॉइंट की तो सिंपलेक्स जॉइंट्स भी हमारे वाटर पाइपलाइंस में यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड सो दीज आर दी सम काइंड ऑफ जॉइंट्स इन द पाइप जो कि हम यूज करते हैं पाइप सब मेन्स मेन्स की कनेक्टिविटी के लिए और वाटर सप्लाई स्कीम में अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट थैंक यू